नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। 80 के दशक का लोकप्रिय टीवी धारावाहिक महाभारत, जिसे देखने के लिए रविवार को जल्दी उठकर नहा धोकर टीवी के सामने बैठना लगभग हर घर का नियम बन गया था। कार्यक्रम शुरू होते ही महेंद्र कपूर की आवाज में महाभारत कथा वाला टाइटल गीत और इसके बाद एक अंधेरी सी स्क्रीन पर आती थी समय की आवाज। पहली लाइन होती थी, मैं समय हूँ, जो इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि इस वाक्य के शुरू होने से पहले शायद टीवी देख रहे बच्चे ही यह लाइन बोल देते थे। तो कौन है समय को अपनी आवाज देने वाले और ये अदृश्य किरदार उन्हें कैसे मिला, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। इस विषय पर अब तक बहुत से दर्शक हमसे वीडियो बनाने के लिए बोल चुके हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक निवेदन है कि नारद टीवी के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, ताकि वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। इनका नाम है हरीश भिमानी, जो कि एक जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। 15 फरवरी 1965 को मुंबई में जन्मे हरीश अब तक कई डॉक्यूमेंट्री और एड फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। हरीश बताते हैं कि जब बीआर चोपड़ा, राही मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा के सामने पहली बार उन्होंने समय के लिए अपनी आवाज दी थी, तब उन्हें पता भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है। हरीश बताते हैं कि उनके पास महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर गुफी पेंटेल का फोन आया और उन्होंने बिना इधर उधर की बात किए सीधे हरीश को रात 10 बजे बीआर स्टूडियो में पहुंचने के लिए कहा। हरीश ने कहा, गुफी जी, मैं 7 बजे के बाद रिकॉर्डिंग नहीं करता, मेरी आवाज थक जाती है। इस पर पेंटेल ने कहा, तू नखरे ना कर, बस सीधे आ जा। पेंटेल के कहने पर हरीश ठीक 10 बजे बीआर स्टूडियो पहुंच गए, जहां बीआर चोपड़ा कुर्ता और लुंगी में बैठे थे। उनके साथ हिंदी साहित्य के दो जाने माने नाम राही मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा भी मौजूद थे। हरीश को बगैर ज्यादा कुछ जानकारी दिए समय की स्क्रिप्ट दी गई और वह माइक के पीछे पहुंच गए। पहली बार में उनका अंदाज पसंद नहीं किया गया और रजा ने कहा, बेटा यह तो डॉक्यूमेंट्री जैसा कुछ लग रहा है, जरा इत्मीनान से पढ़ो। 2-3 बार फिर स्क्रिप्ट पढ़वाए जाने के बाद हरीश को जाने के लिए बोल दिया गया, जिस पर वह थोड़ा निराश भी हुए। हालांकि हरीश कहते हैं कि उन्हें यह नहीं बताया गया था कि आखिर महाभारत में समय क्या है। कुछ दिनों बाद पेंटेल का फिर फोन आया और उनसे एक बार फिर स्क्रिप्ट पढ़वाई गई। इस तरह उन्हें बार बार स्टूडियो बुलाया जाने लगा, लेकिन बात नहीं बन रही थी। समय को लेकर भिमानी का अंदाज चोपड़ा और रजा को जम नहीं रहा था। हारकर भिमानी ने उनसे पूछा कि आखिर यह समय है क्या। रजा ने कहा, बेटा यह महाभारत की समय की आवाज है। इस पर हरीश ने परेशान होकर कहा, यह समय की आवाज कैसी होती है और स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा। जवाब मिला, स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देगा। इस पर काफी बहस और चर्चा के बाद हरीश से कहा गया कि हमें तो आपकी आवाज चाहिए, लेकिन अंदाज आपका नहीं चाहिए। काफी सोचकर हरीश माइक के पास गए और उन्होंने सोचा कि मैं कैसे नहीं बोलूंगा, बोलते वक्त अपने अंदाज में महाभारत की भव्यता को तो ध्यान में रखूं, लेकिन बोलूं कुछ इस तरह जैसे आम इंसान नहीं बोलता, कुछ ऐसा जो ना आकाशवाणी है ना ईश्वर की आवाज है, बस समय की आवाज है। और इस सोच के साथ भिमानी ने रिकॉर्ड की समय की वह आवाज, जिसने टेलीविजन और फिल्म की दुनिया में इतिहास रच दिया। बताया जाता है कि समय की आवाज के लिए पहले दिलीप कुमार के नाम पर भी विचार किया गया था, जो चोपड़ा कैंप के काफी करीबी थे, लेकिन फिर तय किया गया कि इस काम के लिए किसी पेशेवर वॉइस ओवर कलाकार को ही लिया जाए। और कई सफल आर्टिस्ट की आवाज सुनकर राही मासूम रजा, बीआर चोपड़ा और पंडित नरेंद्र शर्मा ने हरीश को चुना। हरीश बताते हैं कि रिकॉर्डिंग तो उन्होंने कर दी, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि महाभारत का पहला एपिसोड कब टेलीकास्ट होगा। विज्ञापन और टीवी की व्यस्ततम आवाजों में से एक थी हरीश की आवाज, जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैं समय हूँ उनकी पहचान बनने जा रहा है। करीब 12-15 एपिसोड के बाद हरीश को पता चला कि महाभारत काफी लोकप्रिय हो गया है और उसमें समय की आवाज काफी पसंद की जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।